नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को एक रहस्यमय साधना, मंगलाचमारन की एक रहस्यमय साधना के बारे में बताऊंगा आपको। ये साधना वाकई में एक रहस्यमय, कामरू देश की एक महान जादूगरनी जिसने सिद्धि प्राप्त किया हुआ था, जिसने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से माँ कामाख्या को भी अपने अधीन कर लिया था और कई सिद्धियां भी उसे प्राप्त कर ली थी। मंगलाचमारन वशीकरण की सबसे महान सिद्धि जोगिनी मानी गई थी। जो आया है उसे एक दिन जाना है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। मंगलाचमारन ने अपनी मृत्यु के वक्त यह प्रण, यह कॉल, यह वचन रखा था कि जो मेरी पूजा करेगा मैं उसके सामने जरूर प्रकट हो जाऊंगी और उसका हर वचन पूरा करूंगी। इसलिए मंगलाचमारन की साधना कोई भी कर सकता है। धर्म कोई मायने नहीं रखता, रखता है तो आपका विश्वास और आपकी मंत्र शक्ति, आपका विधि विधान, आपका नियम पालन। यह साधना महाभयंकर साधना है, इसे हर कोई संपन्न नहीं कर सकता। इस साधना को केवल मैं आपके ज्ञान के लिए, आपके ज्ञान के विषय के लिए बताऊंगा कि यह वाकई में इस तरह की साधनाएं होती है, लेकिन यह एक विपरीत प्रभाव भी दे सकती है, इसका उल्टा असर भी आपके ऊपर पड़ सकता है। यह साधना आपको किसी भी अमावस्या के दिन शुरू करनी है। 721 उड़द के दाने जो काले होते आगे पीछे से, और 721 चने, कच्चे चने आपको लेने, एक तांबे का कटोरा आपको खरीदना है। रात के वक्त एक कमरे में बैठकर आपको काला कपड़ा पहनकर, काला वस्त्र जमीन पर बिछाकर, आपको सामने दीवार पर काले काजल से आपको लिखना है मंगलाचमारन नमस्तुते। एक मिट्टी का दिया आपके कमरे में जलता हो, सरसों के तेल का, और जो रेखा आप खींच के अंदर बैठेंगे वो भी आपको काले काजल से ही खींचकर बैठनी होगी। सिर्फ आपको उड़द के दाने, तांबे के कटोरे में चना लेकर बैठना है। 721 मरतबे आपको इस मंत्र का जप करना है और पूरे कटोरे पर पढ़कर फूकना है। यह अमल आपको पूरे 41 दिन तक करना होगा। अमल 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में करना है। अपना मुंह आपको दक्षिण दिशा में रखना है और जब आप 721 मरतबे पढ़कर आपका पूरा हो जाए तो आप उसको लेकर एक ऐसे कुएं के पास जाए जिस कुएं का पानी कोई नहीं पीता हो। आपको कटोरे में से उड़द के दाने और चने के दाने निकालकर कुएं में डालना है और डालते वक्त आपको यह बोलना है कि हे मंगलाचमारन, मैं तेरा तोसा भेंट कर रहा हूं, कबूल कर। मैं तेरा तोसा भेंट कर रहा हूं, कबूल कर। ऐसा बोलकर आपको उसको डालकर बिना पलटे, आपको देखना नहीं है पलटकर डालने का वक्त, वहां से निकल जाना है कुएं के पास से। ऐसा आपको 41 दिन तक करना होगा। इस दरमियान आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, ना ही पलटकर देख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि इस साधना को केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, गुरु के साथ रहकर करें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। ये साधना वाकई में खतरनाक है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि ये साधना मजबूत जिगर वाले ही कर सकते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो तंत्र का साधक है, जानकार है, तंत्र विद्या थोड़ी जानता है, वही साधना को कर सकता है। लेकिन अगर ये साधना आप गुरु के साथ करें तो आपको मंगलाचमारन का साक्षात स्वरूप देखने को मिलेगा। आप
आपको डरना नहीं है। जब मंगला चमारन 41वें दिन आपके सामने उस पानी के कुएं से निकलकर बाहर आएगी, वो काले कपड़े में, काली साड़ी में लिपटी हुई होगी, काला तिलक उसके माथे पर लगा होगा। वो आपके सामने जब आए तो अब आपको उसको प्रणाम करना है झुककर। वो आपसे पूछेगी कि मैं कैसी दिखती हूं, तो आपको उसकी केवल तारीफ करनी, क्योंकि उसका उसका जो चेहरा होगा वो भयंकर होगा। आपको डरना नहीं है, आपको उसकी तारीफ करनी है। वो आपके साथ आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी बनकर रहेगी। वो आपको भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान देगी। वो आपको विद्या के बारे में बताएगी। वो हर काम, हर तंत्र विद्या वो आपको सिखाएगी। मैं इस साधना में कुछ विशेष बातें मैंने इसमें गुप्त रखी है, और कुछ इसका विधि और विधान और नियम थोड़ा मैंने इसके अंदर छुपा के रखा है, क्योंकि ये साधना भयंकर साधना है। इस साधना को केवल गुरु के मार्गदर्शन से ही करें, गुरु के साथ रहकर करें, तब जाकर ये सफलता मिलेगी और सिद्ध होगी। गुरु बिना ज्ञान नहीं, और इस साधना को गुरु के बिना संपन्न करने की कोशिश आप न करें। केवल ज्ञान के लिए आप इसको सुनकर समझकर याद रखें कि इस तरह की भी कोई साधना होती है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का मतलब होता है हमारे साथ जुड़ना। मैं आप लोगों से गुजारिश और विनती करता हूं कि आप जब भी मुझे मेल करें, मेल में सबसे पहले अपना नाम, पता, एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जन्म तारीख जरूर लिखें, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। ऐसे और भी रहस्यमयी साधनाएं जो मेरे गुरु के द्वारा बताई गई है, मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।